लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्बन हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है एल्केन्स के अंदर, एल्कीन्स में और एल्काइन्स में। साथ ही हमने डिस्कस किया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में। सब एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे अपना बेंजीन रिंग है इसी की बात करते हैं। तो बेंजीन रिंग में अपने पास यहाँ पे दो चीज होती है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन के अंदर है और दूसरा ये एरोमेटिक हाइड्रोजन। तो यहां से यदि इस एरोमेटिक सीएच की बॉन्ड की अगर बात की जाए तो इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो लगभग इस रीजन के अंदर आती है और इसी रीजन के अंदर जो कार्बन डबल बॉन्डेड है वो ही आते हैं। तो इस रीजन के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एरोमेटिक रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक आती है वो आती है जो ये कार्बन है यहाँ पे, जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है इनकी पीक। नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक अपनी आती है लगभग 1650 के पास, बट यहां पे ये सारे के सारे कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन के कारण ये सभी डबल बॉन्ड्स है इनके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण जो इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है वो थोड़ा कम होगी। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इसके लिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज आएगी यहाँ पे वो लगभग आती है 1475 से 1600 सेंटीमीटर यूनिवर्स के आसपास। तो इस रीजन के अंदर यदि कोई पीक हमें मिल रही है तो हम उसे बेंजीन रिंग के पीक मानेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले पीक है। यहां से हम कार्बन हाइड्रोजन के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस रीजन की पीक का जरूरत रहती है और इस रीजन की पीक को से हम बेंजीन रिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में। तो यहां से जो सीएच की जो बेंडिंग वाइब्रेशन पीक होती है एरोमेटिक रिंग के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जैसे रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सीएच की जो बेंडिंग पीक्स होगी यहाँ पे, तो एरोमेटिक रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास अभी क्या है ये बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है वो आएगी 1475 से लेकर 1600 सेंटीमीटर के रीजन में आएगी। तो इसको अगर आप थोड़ा और वाइड लेना चाहते हो तो आप इसे 1450 ले सकते हैं। तो इस रीजन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक आएगी। और दूसरा जो इसका सीएच का जो बेंडिंग वाइब्रेशन होगी, इसमें दो होती है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन सीएच बेंडिंग वाइब्रेशन मोड। इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन जो सीएच की बेंडिंग वाइब्रेशन है वो रहेगी। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो इन प्लेन की जो बेंडिंग वाइब्रेशन मोड आएगी वो लगभग अपनी आती है 1000 से लेके 1300 सेंटीमीटर के बीच।
इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस है वो रहती है 1000 से 1300 के बीच, और जो आउट ऑफ प्लेन है वो अपनी रहती है लगभग इस रीजन के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है वो ओवरलैप करता है सीओ, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है एक उसके साथ, और दूसरा जो हमने मिथाइल ग्रुप की बात की थी, मिथाइल ग्रुप की जो पीक आती है सीएच की, वहां पे उस पीक के साथ ये ज्यादा ओवरलैप करती है। तो बेसिकली ये सीओ इस रीजन के अंदर ओवरलैप करती है, जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आता है इथर का उसके अंदर। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए ये वाला जो रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाला इस रीजन की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन रिंग की, मेटा सब्स्टिट्यूटेड रिंग और पैरा सब्स्टिट्यूटेड रिंग की। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन के लिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो ये पीक होगी अपनी सीएच की, जो पीक आएगी ऑर्थो रिंग के लिए, यदि ऑर्थो सबसे बात करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो होगी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस पीक का है वो काफी यूज होता है। कई बार हमारे पास जब हम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे दिक्कत ये आती है कि हम सही स्ट्रक्चर और ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट जो ऑप्शंस भी होते हैं, दो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि जहां पे हमें ऑर्थो मेटा पैरा में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, तो उस चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रिंग के लिए यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे ये एक बैंड देगा 750 सेंटीमीटर के आसपास, और जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड है मेटा के लिए हमें यहाँ पे लगभग 3 पीक मिलेगी 690 सेंटीमीटर के आसपास, एक 750 सेंटीमीटर के आसपास और 780 लिख देता हूं मैं इसको, और दूसरा इसके आसपास जो है ये 3 पीक मिलेगी। ऑर्थो में खाली एक पीक मिलेगा 750 से 750 के आसपास, ये काफी स्ट्रोंग पीक होगी। और मेटा सब्स्टिट्यूटिंग के लिए हमें ये 3 पीक मिलेगी 690, 780 और 880, और पैरा सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें एक के लिए स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी 800 और 850 सेंटीमीटर के बीच में, ये एक स्ट्रॉन्ग पीक आएगी। तो हमें इस चीज को काफी याद रखना है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन के लिए एक पीक आएगी ओनली 750, मेटा सब्स्टिट्यूटेड के लिए 3 पीक मिलेगी और पैरा सब्स्टिट्यूटेड के लिए ये एक पीक मिलेगी इस रीजन के अंदर 800 से 850 के रीजन के अंदर। और यदि रिंग इफ रिंग इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यदि रिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इफ वी हैव मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग के लिए सिर्फ अकेली पीक मिलेगी 690 के अराउंड सिंगल पीक, तो ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी पीक्स है जो हमें, जो दो ऑप्शन जहां पे हमारे पास फंसेंगे कभी कि हमें दो में से सिलेक्ट करना है, तब ये जो पीक है जो बेंडिंग मोड की पीक है वो हमें क्लियर स्ट्रक्चर देती है। इसीलिए मैंने पहले भी बताया है कि जो बेंडिंग मोड का जो रीजन आता है उसे हम फिंगरप्रिंट रीजन भी कहते हैं आईआर का, क्योंकि वो दो सिमिलर कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने में काफी यूजफुल होता है। यहां से ये चीज हो गई अपना, तो इसको काफी ध्यान से हमें नोट करना है। तो ये एरोमेटिक रिंग के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इस रीजन के अंदर अगर कोई पीक हमें मिल रही है, मल्टीपल पीक मिल रही है, तो कंफर्म है कि वो अपना बेंडिंग रिंग है। और उससे पहले यदि हमारे पास जैसे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो उसका हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालेंगे, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस काफी हाई आ रहा है, जैसे 4, 5, 6 आ रहा है, तो बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो 3 होता है।
कि यहाँ पे हमारे पास तीन तो डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ये भी हम एक वीडियो में देखेंगे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और तीन डबल बॉन्ड होंगे और एक रिंग का होगा तो चार तो वैसे ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग होगा। और दूसरा कंफर्मेशन के लिए ये इस रीजन के अंदर जो कॉन्जुगेशन के कारण जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की नॉर्मल पीक होती है 1650 उससे ये डिक्रीज होकर आती है कॉन्जुगेशन के कारण। तो ये था एरोमेटिक रिंग में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पीक्स हमें याद रखनी है ऑर्थोमेटा और पैरा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स के अंदर एल्कोहल एंड फिनोल्स। जो एल्कोहल्स है उसमें अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओएच रहता है। और दूसरा इसके अंदर दो पीक्स आती है मैन अपनी, एक ओएच फ्रीक्वेंसी और एक सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एक ओएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और दूसरा सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ओएच की जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज रहती है वो यहां पे रहेगी अपने लगभग 3400 से 3600 सेंटीमीटर के पास। तो ओएच की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3400 से 3600 के पास रहेगी। और सीओ की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इसका रीजन यहां पे रहता है ये। और ये वाले जो इसके लिए जो पीक होगी ये हमारे लिए प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल और फिनोल्स को डिफ्रेंशिएट करने में हम इस रीजन की जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसका यूज हम करते हैं यहाँ पे। तो डिस्कस करते हैं पूरा इसी को। सबसे पहले इसी चीज को डिफ्रेंशिएट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिनोल्स और एल्कोहल्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या फिर हमें पहले ओएच को डिफरेंशिएट, चलो ओएच को डिस्कस करते हैं, सीओ को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ओएच यहाँ पे दो चीज है, जैसे ओएच है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे केस रहता है वो इसका रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जो ओएच है ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। दोनों टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ये रीजन आता है यदि जो ग्रुप है अपना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ है, विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो एक ऐसे ब्रॉड पीक देगा 3600 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो ऐसे एक शार्प पीक देता है ना कि ब्रॉड पीक। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज को अगर हम रीजन दे रीजनेबल तरीके से देखें तो किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ही सेंटीमीटर इतने रीजन के अंदर देता है और ये विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक शार्प पीक देता है। तो जहां से अप्रोक्सीमेट जो मेरा जो थॉट प्रोसेस ये कहता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहां पे एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं होती डिस्टेंस, किसी में हाइड्रोजन थोड़ा क्लोज होता है किसी में हाइड्रोजन थोड़ा दूर होता है। तो जब डिस्टेंस जब अलग अलग होती है तो उस टाइम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो फोर्स स्ट्रेंथ है वो चेंज होती है। और उस फोर्स स्ट्रेंथ के चेंज के कारण ये इस रीजन में थोड़ा अलग अलग रीजन के अंदर हमें पीक्स मिलेगी। ये तो है नहीं कि खाली एक ही मोलिक्यूल है, सोल्यूशन के अंदर कई मोलिक्यूल्स होंगे, कई मोलिक्यूल्स है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो गैप है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो इसी कारण क्या होगा कि वो फोर्स स्ट्रेंथ है वो अलग अलग हो जाएगी।
तो फोर डिस्टेंस के साथ फोर स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, तो वेरी करके एक थोड़ा कम देगा दूसरा थोड़ा ज्यादा देगा, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो OH है वो थोड़ा स्ट्रोंग बॉन्ड रहेगा, जहां पे हाइड्रोजन नजदीक आ गया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का उधर से वो बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जो मैन जैसे यहाँ पे अगर मैं ये बनाऊं कि ये OH है और इधर से ये किसी और का दूसरा OH है, तो ये यहाँ से इसके नजदीक आएगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो ये जो बॉन्ड है वो वीक होगा, वीक होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, वीक होने से जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज हो जाएगी, यदि ये डिस्टेंस ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, ये बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अलग ज्यादा आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मल्टीपल मल्टीपल पीक्स मिलेगी, और इस मल्टीपल पीक्स के कारण जब हम इनको मिलाएं तो हमें ये ब्रॉड रीजन दिखता है, और विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमें एक शार्प पीक दिखेगी। दूसरी बात, कई बार ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डाइल्यूशन जब हम करते हैं डाइल्यूशन, जो मतलब ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है जैम के एग्जाम में गेट में भी, कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए जो OH की पीक है वो 3500 सेंटीमीटर के आसपास है, वो एक ब्रॉड पीक है, और डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन है उसकी 3500 सेंटीमीटर पे शार्प पीक है, ये क्वेश्चन अपने पास होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना होता है कि दोनों सॉल्यूशंस में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दोनों सॉल्यूशंस में से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ब्रॉड पीक होगी तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, एक दो बार एग्जाम में आया भी है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम के बेस पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नेट के लेवल पे तो नहीं बनता। ओके तो ये हो गया। अब दो पर टाइप की अपने पास फ्रीक्वेंसीज है, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होती है, तो ये मैं अगर लिख देता हूँ ये लगभग 3200 सेंटीमीटर के आसपास अगर लिख देता हूँ, और ये 3400 सेंटीमीटर के आसपास लिख देता हूँ, ये जो है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एक ही मोलिक्यूल के अंदर है, तो एक मोलिक्यूल के अंदर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब एक ही मोलिक्यूल के अंदर हो रही है तो मतलब जो हाइड्रोजन है वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ज्यादा नजदीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रोंग रहेगी, और स्ट्रोंग रहेगी तो वो ऑब्वियस सा है कि थोड़ा OH बॉन्ड वीक हो जाएगा। यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर, तो इंटरमोलिक्यूल में डिफरेंट मोलिक्यूल के अंदर जा रहे हैं, डिफरेंट मोलिक्यूल के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे डिस्टेंस है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वो ज्यादा होगी, और ज्यादा होने से जो OH बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है। तो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए अपने पास, किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है इंट्रामोलिक्यूलर, और दूसरा ब्रॉड पीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ और बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये शार्प पीक देगा। तो ओके तो ये था अभी अपना, तो अभी एक चीज और देखते हैं इसकी के साथ, हाँ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और फिनोल के बीच में। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो आती है इस रीजन के अंदर सीओ, तो जो फिनोल होता है 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में कैसा होता है अपना स्ट्रक्चर इस टाइप का रहेगा, इधर आर ग्रुप है जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हो गया,
टू डिग्री एल्कोहल में यहां पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे और थ्री डिग्री एल्कोहल में तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे। तो यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये बताया था एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया कि जहां भी बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के कारण जो उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा आएगी। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे कम है, यहां पे कम है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पे दो और यहां पे तीन है, तो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होती है, इसके थ्रू इस बॉन्ड के अंदर ज्यादा आ जाएगी। तो सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है इसमें, ये 1050, ये 1100 सेंटीमीटर के आसपास, और ये 1150 सेंटीमीटर के आसपास, और जो सबसे ज्यादा रहेगी वो रहेगी 1220 सेंटीमीटर के फिनोल की। तो ये भी डिफरेंशिएट करने में काफी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी 1 डिग्री, तो हमें इसको भी याद रखना है, ठीक है। सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एल्कोहल होगा, ओ ग्रुप है, सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि ओएच फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। ओएच फ्रीक्वेंसी अगर अपने पास है तो हम देखेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्शियरी एल्कोहल है, या फिर फिनोल है। फिनोल के लिए पहले एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक के बाद हम देखते हैं कि फिनोल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फिनोल के अंदर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ज्यादा होती है, यहाँ पे सिंपल सा रीजन, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, ये जो है यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे थोड़ा डबल बोन टाइप का करेक्टर जब आ जाता है इसमें, तो आप क्या कहोगे, ओके। तो इसी कारण जो फिनोल है अपना, उसके अंदर जो ये फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाई होती है, और एट द सेम टाइम पे यदि हमें ओएच फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखना हो तो यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा रहेगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ओएच फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर वो किस में रहेगा, फिनोल में 3 डिग्री में, या फिर 2 डिग्री टर्शियरी या प्राइमरी में। तो ये था ये सीओ फ्रीक्वेंसी का रीजन। तो ओएच फ्रीक्वेंसी का रीजन अगर देखोगे तो जब यहां से जब आप देख सकते हो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये यहां से इस बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी से वो ज्यादा है, तो ये बॉन्ड सबसे वीक होगा। तो ओएच फ्रीक्वेंसी वो सबसे कम होगी इस फिनोल के अंदर, और फिर जो सबसे ज्यादा होगी क्यों, यहाँ पे इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड को मिल रही है, तो यहाँ से इधर से ट्रांसफर होने की, सो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है, ओके। सो ये ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, ये ओएच फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, ये सीओ का है, ये याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बट ये हमें याद रखना पड़ेगा, कभी क्वेश्चन में इतना माइनस था जो हमें वो चेक करना हो सकता है कि ये सीओ है, जो ओएच एल्कोहल है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो इसके बाद इसी के साथ ये इथर का भी इसी के रीजन के अंदर आ गया, जो इथर की जो सीओ है, सीओ ग्रुप होगा इथर के अंदर, तो वहां पे अपना जो ओएच नहीं होगा, अगर ओ ग्रुप प्रेजेंट है और ओएच की पीक नहीं है और कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं होता, तो फिर अपनी एकमात्र पॉसिबिलिटी बचती है कि वो इथर ग्रुप होगा, ठीक है। तो इथर ग्रुप में फिर हम देखते हैं इथर ग्रुप, ये कौन सा आ गया, एल्कोहल का पूरा डिस्कशन हो गया अपना,
अभी हम डिस्कस करेंगे ईथर को। तो ईथर के अंदर सिर्फ एक सी है तो इसके लिए OH ग्रुप नहीं होना चाहिए और कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बचती है कि वो ईथर है। और ईथर की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, सीओ फ्रीक्वेंसी होती है, वो लगभग यहाँ पे अपनी यही रहती है 1000 से 1250, या फिर थोड़ा सा रीजन अगर एक्सटेंड कर लो कॉन्जुगेशन वगैरह वगैरह कार्ड, तो इसको 1300 के आसपास भी लेके जा सकते हैं। ये मेन रीजन इसका रहता है, यहाँ पे ये होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है अपना, जो एकमात्र क्वेश्चन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, वो ये होता है कि हम जो फिनाइल एल्काइल ईथर और जो एलिफेटिक एथर है उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिनाइल एल्काइल ईथर पे, यानी कि जो ईथर ग्रुप है उसके एक साइड तो क्या हो, फिनाइल रिंग हो, और दूसरी साइड वहां पे क्या आ जाए, कोई एल्काइल ग्रुप हो। और एलिफेटिक में दोनों साइड, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फिनाइल एल्काइल ईथर है ये दो पीक देता है, 1250 और 1040 के आसपास ये दो पीक देगा। और ये वाला जो यहाँ पे सीओ की जो फ्रीक्वेंसीज है वो सिर्फ एक पीक देता है 1120 सेंटीमीटर के आसपास। ये फिनाइल ना हो, इधर अगर कोई और अगर एल्कीन टाइप का भी है, विनाइल एल्काइल ईथर भी है, तो भी हमारा यही पैटर्न रहता है कि ये दो देता है और ये एक फ्रीक्वेंसी देगा। ये डिफरेंशिएट है इसका, ठीक है, ओके। तो ये अभी जो नेक्स्ट अपना आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, वहां पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहती है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वो कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही रहती है। तो हम इसको अब नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे, कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में।